मॉर्निंग कनाडा। गुड मॉर्निंग कनाडा। आप लोगों का इंतजार हुआ है अब खत्म, और आज जो हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ हैं। चलिए इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक पहले तो आपको बहुत बहुत। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप कैसे ईद गुजरी डॉक्टर साहब? ईद जैसे कि अनयूजुअल गुजरी। पहले जो एक गहमा गहमी हुआ करती थी वो इस बार थोड़ी सी कम देखने को मिली। सही। गुजर गई। मतलब पहले जैसा मजा नहीं था। हाँ, पहले जैसा मजा नहीं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चाय स्पेशलिस्ट हैं, तो ये जो फील्ड, इस फील्ड में आप कब से आए, कितने साल हो गए आपको? बेसिकली 6 इयर्स हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। स्पेशलाइजेशन मैंने 4 इयर्स बैक की थी। अच्छा। यानी कि 4 इयर्स बैक मेरी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट हो गई थी। इनिशियली मुझे पीड्स की फील्ड इतनी ज्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, घर वाले भी बहुत ज्यादा कंसल्टेशंस कर रहे होते थे, फैमिली रिलेटिव्स, तो उस वजह से मुझे इस फील्ड को बहुत ज्यादा फोकस करने का मौका मिला। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि ये फील्ड बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना मैं समझ रहा था, तो फिर मैंने स्पेशलाइजेशन की प्रॉपर, और अब मैं आगे फर्दर यूके का एग्जाम भी देने की तैयारी कर रहा हूँ MRCPCH रॉयल कॉलेज। माशाल्लाह। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप घर में मतलब सिर्फ आप ही डॉक्टर हैं या कोई आपकी फैमिली में है, सिस्टर या कोई ब्रदर वगैरह? ना, सिस्टर ब्रदर सिबलिंग्स में से तो कोई भी नहीं है, लेकिन फर्स्ट कजन्स में से दोनों साइड मैटरनल और पैटर्नल डॉक्टर्स हैं। अच्छा। मैटरनल साइड में तो एक मामूजाद बहन है, वो डॉक्टर है। अच्छा। और वो आजकल दुबई में होती है आफ्टर मैरिज, तो वहाँ प्रैक्टिस कर रही है। अच्छा, अच्छा। उनके अलावा पैटर्नल साइड से तो मेरे पास 2 कजन्स हैं, मेरे मतलब तायाजाद भाई वो भी डॉक्टर है, और उनकी फिर सिस्टर वो भी डॉक्टर है। अच्छा माशाल्लाह। तो आपकी फैमिली मतलब है डॉक्टर भी है? डॉक्टर, मेडिकल। सही। अच्छा ये बताएं कि आपका शौक बचपन से था, जैसे जब आपको डाला गया था, जैसे होते हैं पेरेंट्स में कि बड़ों को तुम्हें डॉक्टर बनना है? मेरे साथ थोड़ा सा ऑपोजिट रहा है। मेरा शौक बचपन से कभी भी नहीं था डॉक्टर बनने का। अच्छा। लेकिन ये था कि मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो अच्छा। मेरा एडमिशन हो गया था आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में, मैट्रिक में अच्छी परसेंटेज आई थी, A1 ग्रेड आया था। अच्छा माशाल्लाह। उस दौरान भी मेरा कभी भी MBBS का इंटरेस्ट नहीं रहा। ड्यूरिंग 2 इयर्स ऑफ इंटरमीडिएट मैं यही कहता था कि मुझे BBA करना है, उसके बाद MBA करूंगा, मार्केटिंग में जाऊंगा। लेकिन ये है कि इंटर के एग्जाम्स हुए, MBBS का जो टेस्ट होता है NTS वाला टेस्ट, वो डिले हो गया। तो मेरी मदर की बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी, मैं इकलौता बेटा हूँ अपनी। अच्छा। वालदैन का, तो उनकी ख्वाहिश थी कि भाई एक बार मेडिकल में ट्राई करके देख लें, अगर आपका हो जाता है तो फिर आप परसू करें इस करियर को। मेडिकल वैसे मेरे लिए कोई मुश्किल वो नहीं था सब्जेक्ट, मतलब मैंने अपने शौक से इंटर में प्री मेडिकल लिया था। अच्छा। क्योंकि मुझे प्री मेडिकल मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन MBBS में जाने का प्लान नहीं था। तो खैर फिर उनके कहने पर मैंने NTS का टेस्ट दिया, वो भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर जिस तरह जो चीजें थी रास्ते बनते चले गए, वरना 2009 का जो टेस्ट था वो बहुत ज्यादा मुश्किल टेस्ट था। अच्छा। NTS का, उसमें ये था कि पासिंग रेट बहुत कम था, 69 पे मतलब मेरा एडमिशन हुआ था मेरिट पे, 69 बहुत मतलब कम एग्रीगेट काउंट किया जाता है, लेकिन उस दौर में ये बहुत ज्यादा एग्रीगेट था। अच्छा। बाकी बहुत सारे लोग तो फेल हो गए थे उससे। जी जी, मुझे लगता है अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए, फिर ये रास्ते बनते बनते मैं यहाँ तक आया। आपकी मदर की ख्वाहिश थी, हो अल्लाह का शुक्र की दुआओं से आप मतलब डॉक्टर बन गए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि चाइल्ड जैसे स्पेशलिस्ट, आपको आपकी लाइफ थोड़ी सी बताएं कि डॉक्टर्स की लाइफ जो होती है थोड़ी बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्ब होती है, अपने लिए टाइम नहीं मिलता, ऐसा कुछ है? अपने लिए टाइम ये तो है इस फील्ड में, ऐसा ही है कि आपको अपडेटेड रहना पड़ता है, तो बहुत सारे रिसर्चेस जो ऑनगोइंग चल रहे हैं उससे अपने आपको अपडेटेड रखने के लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है, स्टडीज के लिए, और फैमिली के लिए टाइम फिर बहुत कम हो जाता है। इसी तरह पीडियाट्रिक्स ऐसी फील्ड है जिसमें ऑन कॉल भी कई बार हमें जाना पड़ जाता है, ऑन कॉल कॉल कर दी जाती है तो हमें प्रेजेंट होना होता है हॉस्पिटल में, तो इसमें फिर ये कि सोशल लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और सोशल लाइफ के साथ साथ फैमिली लाइफ भी बहुत ज्यादा आपकी कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है, लेकिन ये तो फील्ड की रिक्वायरमेंट है। सही बात है, तो पेशेंस लानी पड़ती है। सही सही। अच्छा आप जरा थोड़ा ही बताएंगे कि कोविड जिस तरह से जो आया है हम लोगों की लाइफ में, तो ये बच्चों के लिए क्या, इसमें थोड़ा बताएंगे बच्चों में कितना इस पर आया, बच्चों में और कितनी हद तक मतलब ज्यादा बड़ों में था, इसके साइड इफेक्ट क्या हुआ है? कोविड असल में तो ये कोई पहले इन्फेक्शन हुआ करता था, वायरल इन्फेक्शन, ये हमारी पैथोलॉजी की बुक में भी था, लेकिन ये बिल्कुल ही अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो इसको पढ़ते भी नहीं थे, लेकिन अब ये है कि इसमें कुछ म्यूटेशंस आई 2019 से, ये इंसानों के अंदर भी वायरस इन्फेक्शन करवाने लग गया जी। तो उसके बाद से जो कोविड की जो गाइडलाइंस बहुत सारी डिफरेंट टाइम पे WHO और डिफरेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ CDA अमेरिकन जो वो है ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों ने प्लान की और ये सारी चीजें बताई, तो उसमें ये सिम्टम्स के फ्लू लाइक वायरस के पहला सिम्टम जो होता है इनिशियल फीवर विद फ्लू लाइक सिम्टम, उसके साथ साथ सोर थ्रोट,
तो ये चीजें तो सब में कॉमन है, बच्चों में भी बड़ों में भी, और ये माइल्ड सिम्टम्स में आते हैं। बहुत सारे लोग इसमें सिम्टम लेस भी होते हैं, तो उनको तो हम लोग इसमें फिलहाल काउंट नहीं कर रहे। जो सिम्टम्स वाले पेशेंट है उसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, साथ साथ फीवर होते हैं और सोर थ्रोट होता है, गले में तकलीफ, खराशे। तो ये आम फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन इसमें जो एक डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है वो ये है कि इसमें बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी होती है। स्पेशली बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इरिटेबल होते हैं, बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं, तो वो अनयूजुअल तरीके का फीवर होता है। आमतौर पे बच्चे इतने ज्यादा इरिटेट नहीं होते इन्फेक्शन में, लेकिन उसमें बच्चे बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं। ऑल्दो फीवर जो 100-101 है उससे भी कम है, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी होती है। इसी तरह बड़ों में जो सिम्टम होता है लिथार्जिनेस, बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, बॉडी एक होता है, हेडेक से लेके पैर तक, सर से पैर तक दर्द हो रहा होता है, बहुत ज्यादा बॉडी में वीकनेस हो जाती है, ओरल इनटेक भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ये वो सारे सिम्टम्स और साइंस हैं जो इसको दूसरे वायरल इन्फेक्शन से थोड़ा डिस्टिंग्विश करते हैं। सही सही। अच्छा, ये न्यूबॉर्न बेबी में भी आया है? न्यूबॉर्न बच्चों में भी डायग्नोस हुआ है। टेस्ट जब करवाए गए, पीसीआर टेस्ट करवाए गए, तो उसमें उनको मिला, फ्लू मिला। अच्छा। तो बच्चों में, बस न्यूबॉर्न बच्चों में फिर भी एज सच इम्यूनिटी दूसरे बच्चों के मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि मदर से भी एक्वायर कर रहे होते हैं, और प्लस उनकी नेचुरल बर्थ के साथ साथ उनकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ रही होती है, तो उनमें बहुत ज्यादा सिवियर सिम्टम्स तो नहीं देखने को मिले अभी तक, लेकिन वही ये फीवर और रनी नोज, रिलक्टेंट टू फीड, ये सारी चीजें मिल रही होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, चाइल्ड बारे बताएं कि ज्यादातर बच्चे जो आपके पास आते हैं किस उसमें आते हैं, मतलब बीमारी ज्यादातर बच्चों को किस चीज से होती है? ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो एक तो जनरल फिजिकल चेकअप के हवाले से आ रहे होते हैं, उनके जो रूटीन के चेकअप्स होते हैं वो, और जो रूटीन के जो इश्यूज हैं बच्चों में मोस्ट कॉमनली वो यही है कि वो हाइजीन वगैरह का अगर प्रॉपर ख्याल नहीं रख रहे तो उनको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है, पेट के हवाले से इन्फेक्शन होते हैं, साथ साथ वॉमिटिंग हो रही होती है, गैस्ट्राइटिस हो रहा होता है। कुछ बच्चे जो है वो ओबेसिटी की तरफ ज्यादा जा रहे होते हैं, क्योंकि वो जंक फूड ज्यादा खा रहे होते हैं, तो उनका हम लोग बीएमआई भी कैलकुलेट करते हैं, उनको एज के हिसाब से प्लॉट करके बताते हैं उनका एज के हिसाब से वेट कितना होना चाहिए और हाइट कितनी होनी चाहिए, ग्रोथ पैरामीटर्स, और उसके साथ साथ जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो उन सब चीजों के केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं। सही। मतलब ज्यादातर जो है बच्चों को पेट के इश्यूज आते हैं, पेट खराब हो रहा है बच्चों का जम्स वगैरह से, जम्स की वजह से, हाइजीन की वजह से, और साथ साथ जंक फूड इस तरह की चीजों की वजह से भी होता है। अब जो जैसे कि एशियन कंट्रीज हैं, लो सोशल इकोनॉमिक एरियाज हैं, वहां पर मेल नरिशमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन जो जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, यूएस कनाडा, इन जगहों पर आपको ओबेसिटी बहुत ज्यादा मिलेगी बच्चों में। तो ये दो बहुत अपोजिट चीजें, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये कि बच्चों में मेल नरिशमेंट ज्यादा, उनकी ग्रोथ ही प्रॉपर नहीं हो रही, वेट बहुत कम होता है, और यहाँ बच्चों का वेट ज्यादा हो रहा होता है, तो उनमें ये इश्यूज बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। फिर हम उन्हें एक्टिविटी की तरफ लाते हैं, गाइड करते हैं और डाइट के हवाले से बताते हैं। अच्छा, हमने देखा है कि बच्चे जो है ना, आजकल के बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा फैटी हो रहे हैं, तो पेरेंट्स से परेशान हो कोविड की वजह से, तो बच्चे और बड़े भी मतलब इसमें बहुत ज्यादा हो गया है, वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है कोविड की वजह से। सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है वो यही हुआ है कि पब्लिक गैदरिंग, सोशल जो इंटरेक्शन होता था वो बहुत कम हो गया था, तो पार्क्स वगैरह में लॉकडाउन लग गए थे, तो उसकी वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का यही टाइम होता है, वो माहौल को ऑब्जर्व करके सीख रहे होते हैं, तो उनका बाहर जाना ना जाना बहुत उनके लिए बहुत नेगेटिव वे में इम्पैक्ट ला रहा था। तो और साथ साथ बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी आजकल वैसे ही मोबाइल और टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चे फिजिकल एक्टिविटी से दूर हो गए, खेल कूद नहीं कर रहे होते, तो इस वजह से उन पे बहुत ज्यादा नेगेटिव असरात पड़े थे, तो इसी वजह से ओबेसिटी देखने को मिल रही है, लोगों का वेट बहुत ज्यादा गेन हो रहा है। सही बात है। अच्छा, इसमें कवर किस तरह करें, जैसे कि जंक फूड वगैरह कम करें, बच्चे नहीं छोड़ते जंक फूड, ज्यादा वो होता है बच्चों को फ्राइज पिज्जा, और बड़ों का भी ये है, ये चीज नहीं छोड़ी जाती, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें हम लोगों ने ये एडाप्टेशन उनके लिए गाइडलाइंस ये बताई है कि आप बेशक बिल्कुल ना छोड़ें, लेकिन वीक में डेज मुकर्रर कर रहे हैं, कुछ खास दिन हैं जिसमें आपने जंक फूड लेना है, डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पर नहीं लेना है। सही। और उसके साथ साथ फिर एक्टिविटी उसी हिसाब से होनी चाहिए, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी हो, बच्चे खेल कूद में हिस्सा लें, साइकिलिंग करें और पार्क में जाएं, अब तो आजकल पार्क वगैरह ओपन होने लगे, तो वहां पर जाएं, वो फिजिकल एक्टिविटी का एक टाइम हो शाम में, एटलीस्ट वो कुछ दिन के कुछ आवर्स जो है वो इस तरह की एक्टिविटी में रखें अपने आप को, बड़ों के लिए भी यही है, हेल्दी लाइफस्टाइल। सही सही। अच्छा, ये एयर फ्राई है कि एयर फ्राई कुछ लोग है यूज कर रहे हैं कि वो कहते हैं ना फ्राई अगर चीजें करें तो मोटे होते हैं, और एयर फ्राई ऐसी चीज है कि जिससे मतलब मोटे नहीं होते, तो ये सही चीज है क्या? इसमें भी अभी स्टडीज चल रही है, इसका कोई डेफिनेटिव इसके हवाले से नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या पता ये कोई अच्छा अल्टरनेटिव साबित हो, लेकिन अभी एग्जैक्टली इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा अच्छा, सही सही। अच्छा, और बच्चे जो होते हैं कुछ होती है एलर्जी प्रॉब्लम्स होती है ज्यादा बच्चों को, तो किसी को बाय बर्थ होती है ये चीज,
फैमिली से आती है, और किसी को होता है कि ऐसे फैमिली में होता भी नहीं है लेकिन बच्चे में ये चीज़ आती है कि एलर्जी होती है हर चीज़, मतलब डस्ट से हो गई या किसी स्मेल से हो गई, तो इसका क्या इलाज चलता है या मतलब नहीं इसका कोई इलाज नहीं है? देखिए, एलर्जी वाले मामला ज़्यादातर तो फैमिली से जेनेटिक्स के तौर पे ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। सही। और वैसे कुछ केसेस में ऐसा होता है फैमिली में किसी को नहीं है लेकिन बच्चों को एलर्जी हो रही है, तो वो अक्वायर्ड एलर्जी होती है। अच्छा। अब एलर्जी की कोई भी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, कभी भी इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको फिर मैनेज किया जा सकता है, लाइफ लॉन्ग इसको मैनेज करते हैं। हर बच्चे में अलग अलग ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं, अब जो बच्चा जिस चीज से ट्रिगर हो रहा है उसको उसी चीज से बचाना होता है और उसी चीज से मैनेज करना होता है। सही, सही। तो ये लाइफ लॉन्ग एक मैनेजमेंट इसका प्लान होता है, क्योंकि मुझे मैं अपने बता रही हूँ कि मेरा एलर्जी प्रॉब्लम जो है ना वो बचपन से ही है। अच्छा। और आज तक है ये चीज, लेकिन ये चीज मेरी मदर से आई है। जी जी। और फिर आप जिन चीजों से ट्रिगरिंग फैक्टर होता है आप उनसे बचते होंगे तो वो चीजें कंट्रोल हो जाती है, लेकिन ये है कि है साथ साथ है इस चीज का। जब जब सिम्टम्स बढ़े तो आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ती होगी, एंटी एलर्जी लेती हूँ मैं, और उसके अगर नहीं लूँ थोड़े अरसे मतलब तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये चीज़ है ये। तो अच्छा, और किडनी की तरफ जैसे कोई बच्चों में जैसे है ऐसे, मतलब बच्चों का मैंने देखा कि छोटे बच्चों को पेन होता है किडनी साइड में, तो ये बच्चों को पानी की कमी से ही होता है या वाकई में मतलब छोटे बच्चों में है ये चीज किडनी प्रॉब्लम? कॉमनली तो पानी की कमी की वजह से ही हो रहा होता है, क्योंकि बच्चे खेल कूद में लगे रहते हैं तो बहुत ज्यादा ओरल इंटेक उनका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, कभी कभार पानी देर देर तक नहीं पी रहे होते, तो उसकी वजह से यूरिन आउटपुट कम होता है और किडनी में प्रेशर पड़ता है तो पेन बढ़ रहा होता है वहाँ पर, तो इस वजह से पानी पियेंगे तो सही हो जाता है। और कुछ बच्चों के अंदर फिर स्टोन के इश्यूज भी है, रीनल स्टोन यानी कि बच्चों में भी होते हैं, छोटे एज ग्रुप के बच्चों में भी रीनल स्टोन। क्या वजह क्या है? अब इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मल्टीफैक्टोरियल इशू है, इसमें पेरेंट्स की तरफ से भी है कि एक्वायर्ड है, उनके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। अच्छा। तो उसकी वजह से स्टोन फॉर्म हो रहे होते हैं, साथ साथ कभी कभार ऐसा भी होता है कि उनकी डाइट इस तरह की हो कि उसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम रिच डाइट ले रहे हैं। अच्छा। ये कैल्शियम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ऐसा होता है कैल्शियम की वजह से? अच्छा। ये लेकिन ये रेयर है, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ रेयर जेनेटिक और मेटाबॉलिक इश्यूज है जिसमें मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो रही थी, विटामिन डी के हवाले से इश्यूज होते हैं तो बॉडी में फिर उसकी मेटाबॉलिज्म खराब हो जाती है। अच्छा। इस वजह से कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है। अच्छा, मतलब ये है कि कुछ लोग कहते हैं ना छालिया खाने से होता है, छालिया तो छालिया के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स तो होते होंगे, अब ये रिसर्च बेस्ड चीज है, लेकिन बच्चे तो नहीं खाते छालिया, तो शायद वही पानी कमी अगर स्टोन कैल्शियम से होते हैं बहुत ज्यादा कैल्शियम हो गया। अच्छा, तो इसमें मतलब फिर वही किस तरह कवर कैल्शियम का टेस्ट होते हैं? हाँ, टेस्ट। अच्छा। होते हैं, हार्मोनल इंबैलेंस देखा जाता है कि कैल्सिटोनिन एंजाइम जो है, और उसके साथ साथ जो हाइपरथायरॉयडिज्म के इश्यूज होते हैं, थायराइड के इश्यूज होते हैं, ये सब चीजें देखनी पड़ती है कि कौन सा इशू चल रहा है, हार्मोन कौन सा डिसबैलेंस हुआ है जिसकी वजह से सारी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गई है, फिर उसी हिसाब से इसको ट्रीट किया जाता है। अच्छा, यानी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड आ जाता है फिर इसमें। सही, सही। अच्छा, ये बताएं कि आपके जैसे लाइफ है तो आपकी लाइफ जिस तरह चल रही है, मतलब सिंगल हैं आप या अभी कुछ है? अभी तो मैं फिलहाल सिंगल हूँ, दिसंबर में इंशाल्लाह शादी का प्लान है। तो आपके क्या आगे क्या हो गया? ऐसे ही अगर बिजी रहेंगे, उनको पता है कि आप मतलब बिजी रहते हैं और टाइम बात हो गई है? जी जी, बात तो हुई भी, क्योंकि वो भी इसी प्रोफेशन से डॉक्टर है, और उनकी हाउस जॉब चल रही है, तो फिलहाल यही है, मैं तो यही एडवाइस करता हूँ, मैंने अपनी बैच में भी देखा है काफी खवातीन फीमेल ज्यादा होती है स्क्रीन में, यानी कि मेरे बैच में 330 का बैच था तो 270 फीमेल्स थी, 60 सिर्फ मेल स्टूडेंट्स थे, तो उसमें फिर रेशियो यही होता है कि फिर मतलब डॉक्टर मेल डॉक्टर्स को तो फीमेल डॉक्टर्स मिल जाती हैं, लेकिन फीमेल डॉक्टर्स को इस तरह के लाइफ पार्टनर्स बड़ी मुश्किल से मिल रहे होते हैं, तो फिर आगे उनके लिए प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे लोगों बहुत सारी जगहों पर रिस्ट्रिक्शन होती है, तो एक एक फील्ड के होने का ये फायदा होता है कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बहुत इजीली डेवलप हो जाती है, समझाने की जरूरत है, डॉक्टर डॉक्टर को समझ सकता है। बिल्कुल। तो मतलब यही है कि डॉक्टर को डॉक्टर से ही शादी करनी चाहिए, रिकमेंड तो यही किया जाता है, क्योंकि मोस्टली ये ज्यादा सक्सेसफुल यही रहती है, बाकी दूसरी फील्ड वाले भी अच्छे समझदार होते हैं लोग, बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं इस तरह के जो दूसरी फील्ड वाले लेकिन बहुत सपोर्टिव है, लेकिन बहुत रेयरली देखने को मिलता है, यूजुअली हमें नहीं मिल रहा होता। हाँ, क्योंकि अक्सर मेरे ऐसे कजन्स हैं तो वो भी मतलब ये होता है मैका, तो उनका भी ये है मतलब उनके डॉक्टर हैं, उन्होंने सब की पढ़ाई की, सब कंप्लीट की, डॉक्टर बन गई वहाँ जाके, लेकिन उनके थोड़े फैमिली इश्यूज हुए थे इस चीज़ से, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हुई। अब किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता, नहीं पसंद होता, माइंडसेट का प्रॉब्लम है, इसी तरह एक फील्ड के होंगे तो आसानी होगी। मेरी बैच में, मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे बैच में जो बहुत सारी ऐसी खवातीन थी जो बिल्कुल टॉपर थी, फ्रंट बेंच पे बैठ के सारे लेक्चर्स लेने वाली। अब हम लोगों का ताल्लुक तो उस तरह का था कि हम लोग सोशल एक्टिविटीज में भी रहते थे, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी रहते थे, और मीडियोकर टाइप के मतलब स्टूडेंट्स, लेकिन वो जो स्टूडेंट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल टॉपर्स, वो बेचारी आगे स्पेशलाइजेशन नहीं कर पाई क्योंकि फैमिली इशूज आ गए, 9 to 5 वाली जॉब कर रही है, उन लोगों को देख के
मुझे बड़ा अफसोस होता है। सही बात और फिर ये चीज बहुत ज्यादा मैंने रियलाइज की कि इसमें फिर शादी के हवाले से पेरेंट्स को जरा सोचना चाहिए सोच समझ के ऐसी जगह शादी करें जहाँ बेटी की मेहनत जाया हो। सही कह रहे हैं आप, वैसे बहुत मेहनत है इस फील्ड में। बिल्कुल। और मैंने मतलब अक्सर ये देखा है कि बल्कि सुना भी लोगों ने काफी बीच में कहा था कि ये जो सीट होती है मेडिकल की जो होती है लड़कियां इस चीज में टॉपर होती है, लेकिन वो लड़कों का हक मार रही होती है क्योंकि इसमें आती तो है, शादियां हो जाती हैं फिर वो बैक हो जाती हैं इस फील्ड से, नहीं कर पाती। इसमें भी वही बात है कि मजबूरियां वो तो करना चाह रही होती हैं। बहुत सारी लड़कियों का तो बिल्कुल एम होता है कि शुरू से एक एम लेके चल रही होती है कि हमें फलना चीज बननी है, फलना स्पेशलिटी में जाना है, लेकिन आगे उनके ऊपर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन अब ये चीज खत्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब स्पेशलिटीज में भी जो स्पेशलाइजेशन कर रही है उसमें फीमेल्स हैं बहुत ज्यादा तादाद में, अब ये ट्रेंड खत्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सही, मतलब क्या कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए लड़कियों को? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब वो आई है इस फील्ड में तो उनको तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस फील्ड में आना चाहिए आगे के मतलब हवाले से। मतलब जेंट्स के हवाले से आप क्या कहते हैं कि मतलब अगर आपकी जैसे वाइफ डॉक्टर है और वो खुद नहीं है तो उनको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? आप देखें ये कि फिर कॉम्प्रोमाइज करेंगी तो फिर उनके लिए आगे प्रोफेशन के हवाले से देखा जाए तो लॉस है, ओवरऑल पूरी पूरी कॉम का लॉस है। बाकी फीमेल जितनी भी आ रही है उसमें कोई इशू नहीं है। अभी भी फिलहाल भी अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में तो डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है। इवन जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो प्रिफर करते हैं प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स को, क्योंकि यहाँ पर भी कमी है। कोविड के बाद तो दुनिया भर का हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल हिल कर रही है, तो उसके बाद हमें पता चलेगी कितने लूप होल्स हैं, कितनी कमी बेशी है। तो डॉक्टर्स की तो ओवरऑल हर जगह कमी है, तो जितनी भी फीमेल्स भी हैं कोई इशू नहीं है। सही, आना चाहिए। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका माशाल्लाह प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छी आपसे बातें हुई। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, लास्ट में मैं मैसेज, अभी क्योंकि कोविड के हालात चल रहे हैं तो मैं अपने मतलब खास तौर पे लिसनर्स जो पाकिस्तान और इंडिया से जिनका ताल्लुक है उनको मैं खास मैसेज देना चाहूँगा कि अपने SOPs को फॉलो करें, हाइजीन में मेजर्स को फॉलो करें, और साथ साथ जो गवर्नमेंट जिस तरह वैक्सीनेशन करवा रही है उसको आप सीरियसली वैक्सीनेशन करें और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ केसेस फिर बढ़ने शुरू हो गए और पाकिस्तान के हालात भी इसी तरह चल रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करें, और इसी के साथ साथ आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। अच्छा डॉक्टर अमीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ डॉक्टर थे चाय स्पेशलिस्ट, आप लोगों ने देखा कि उनसे हम लोगों ने बातें की और बहुत से क्वेश्चन थे और आप लोगों के दिमाग में जो आ रहे थे काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह फिर से हम नेक्स्ट वीक किसी अच्छे नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए निदा खान को। गुड मॉर्निंग कैनेडा। Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is love for everyone. Good morning, Canada.